तो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हम बैंगलोर से थोड़ा सा पहले होसूर करके एक सिटी में, एंड इस विक्टोरिया करके होटल में रुके हुए थे। बहुत ही बढ़िया होटल था, मतलब इतना प्रॉपर होटल मैंने नहीं देखा होगा कि एकदम गाइडलाइंस फॉलो करने वाले, बिल एकदम उसमें देने वाले लेटर वगैरह में, एनवेलप में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। ये अभी ऐसी है, जय श्री महाकालेश्वर महाराज, रक्षा करिएगा भगवान, जय शिव शंभु। छूटा तो नहीं, काफी बढ़िया होटल था यार ये, द विक्टोरिया होटल। पेट्रोल पंप के जस्ट पास में और ये फ्लाईओवर के जस्ट नीचे था, होसूर करके सिटी में। ठंड तो है काफी, लोग टोपी ओपी लगा के घूम रहे हैं। तो वैसे विंडस्क्रीन के ना होने से व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी आ रही है मुझे, लेकिन जो हवा लग रही है मेरे चेस्ट पे और सब पे, ऐसा लग रहा है कि आदत नहीं है ना, क्या बोल सकते हैं। तो हो जाएगी आदत, आज में तो हो ही जाएगी, क्योंकि आज हमें जाना है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर्स है हमारा घर यहाँ से, मतलब मुंबई यहाँ से घर तो ऑलमोस्ट 1700 होगा। मस्ती मस्ती में आ गए इतनी दूर, क्या करें, लेकिन मज़ा आया बहुत ज़्यादा। ओ वाओ, बढ़िया लग रहा है यार। और ये हेलमेट में हवा नहीं आती, सबसे अच्छी बात ये, एमटी में हवा आने लगी थी। गूगल मैप्स ने क्या जान बचाई है, मैं इधर घुस गया था और यहाँ पे दिखा रहा है 11 मिनट का जाम, तो फटाफट मोड़ के थोड़ा सा और वापस सर्विस लेन पे आया, नहीं तो यहाँ फंस जाता मैं। और कितना ज़्यादा ट्रैफिक है सोचो, 6:30 बजे, तो रात में तो क्या ही हाल हो रहा होता। अच्छा हुआ मैंने स्किप कर दिया, बहुत परेशान हो जाता मैं। आई थिंक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कुछ, हाँ ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। ओ शिट, एक पीछे से ट्रक आके भर गया है और वो पूरा ख़त्म हो गया है आई थिंक, बहुत ज़्यादा, और उसके कारण पूरा ट्रैफिक रोका हुआ है। तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि साइड से निकल गए, नहीं तो हो जाती प्रॉब्लम। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, और उसमें देखो कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब ये टोल टैक्स आ रहे हैं तो मुझे अलग ही, मैं आसपास देखने लग जाता हूँ कि कोई है तो नहीं, क्योंकि कहीं से भी मुड़ सकता है लोकल आदमी, वो यहीं रहता है और उसको, उसने परमिशन खुद को दे रखी है कि वो कैसी भी चला सकता है और उसकी गलती नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आराम से ही चलना है हमें। तो यार टोल है यार, ये तो नहीं पता था मुझे। हाउ मच सर? पुणे 80। यहाँ भी टोल लग रहा है, वो भी 80 रुपीस का, ये पता नहीं था मुझे कि यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा भी कहीं टोल लगता है, वो यहाँ लगता है। ओके, बैंगलोर का बाईपास है ये आई थिंक, तो सही है। शिट, ये तो देखो कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है यहाँ पे, ये पूरे टाइम ना हो यार, अरे फॉग ही है।
जो हवा में उड़ रहा है देखो। ओह अच्छा है ज़्यादा सुबह भी नहीं आया मैं। तो सोचो ऐसा हाईवे जिसमें बाइक का भी टोल लग रहा है वो भी 80 रुपीज़, वहाँ पे भी एक तरफ की तो लेन ही नहीं है, और ये भी थोड़ी थोड़ा मतलब एक आध किलोमीटर तो हो गया है मेरे ख्याल से, और भी बाकी है, तो सिंगल लेन पे चला रहे हैं ये। तो वैसे अच्छी बात ये है कि रोड काफ़ी अच्छा है और इसने 4 घंटे बचाए हमारे, बैंगलोर में से आते तो 4 घंटे एक्स्ट्रा लगने थे, तो 80 रुपीज़ वर्थ है आई थिंक। तो हमने सोचा नारियल पानी पी लिया जाए, काफ़ी गर्मी हो रही है और फ़ोन हो चुका है फुल डिस्चार्ज, तो इसको चार्ज पे लगा दिया जाए। ओहो कितने बाइक के 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख बुलेट आती है ना, बुलेट वाली कंपनी है सेम, रॉयल एनफील्ड कंपनी, रॉयल एनफील्ड यस। चले जी धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, क्या बात है, ब्लेसिंग्स दे दी भैया ने। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा वो टार्जन वाला झोपड़ा चल रहा है। क्या करते हैं यार लोग, लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है, और ये ज़रा पीछे अगर गिर जाए बाइक वगैरह वाले पे तो फिर क्या ही होगा। सो ये घाट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं कौन सा घाट है नया। अब ये एक नया छोटा सा कांड हुआ है, ओह फंसी गई है क्या, गई केबल तो ये निकल जाए। वो केबल तो मैंने बचा ली, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा जो भी होता है चेन वाला कार्बन जो भी होता है वो इतना ज़्यादा घुस गया है कि अब वो फ़ोन में लगाया तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। वो तो अच्छा है टाइम पे देख ली, नहीं तो और प्रॉब्लम हो सकती थी। तो फाइनली एंटर हो चुके हैं वापस महाराष्ट्र में, जस्ट एंटर हुए हैं, यही है स्टेट बॉर्डर मतलब शायद ये ब्रिज। तो अब महाराष्ट्र में एंटर होने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ ये करनी है कि लाल परी से हमें रहना है बच के, जो रेड बसेस रहती हैं बस वो बहुत डेंजरस रहती हैं, और कोल्हापुर यहाँ से ऑलमोस्ट 19-20 किलोमीटर है तो सही है, और पुणे 250 किलोमीटर्स। आगे एक राइडर चल रहा है, इतना साफ सुथरा दिख रहा है ना वो, और मैं खुद को देखूँ तो मेरे ग्रीस लगाए कहीं हाथ पूरे काले हो रहे हैं मतलब सीरियसली। सो गाइस क्या सनसेट हो रहा है इस तरफ बहुत ही बढ़िया कलर्स के साथ, और हम 2 घंटे में पहुँचने वाले हैं पुणे, 100 किलोमीटर रह गया है तो सही है, अच्छा टाइम है, ऑलमोस्ट 7:45 तक पुणे पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ रुक सकते हैं, सो बंदो ये है ट्रिप का आखिरी सनसेट, मतलब मुंबई से इंदौर भी होगा वैसे तो, बट फिर भी ये आखिरी मान सकते हैं। तो चलो चलते हैं,
अब थोड़ा सा और बाकी है पुणे, और वहाँ हमें मिलेंगे मेलविन भैया। तो चलो मेलविन भैया से मिलते हैं, लेट्स गो। आज में पता नहीं क्या हुआ कि रोड इतना अच्छा था ना, वो रोड अच्छा है, से पूरा मक्खन दौड़ मिलेगा, बहुत शानदार रोड था। बीच में यहाँ आते समय थोड़ा ये हाँ अच्छा। बाकी हाँ बस थोड़ा सा ही खराब मिला, बाकी तो सॉर्टेड मिला मुझे। डाइवर्जन भी था ना उधर, हाँ वहीं पे। रोड तो बहुत अच्छा था बैंगलोर से यहाँ तक का, इसलिए तो इतनी चल गई, नहीं तो चलती क्या। चलो मेलविन भैया मिलते हैं, ओके बाय बाय, ध्यान रखो आप भी बिल्कुल। चलो पहुंच के करता हूँ मैं मैसेज, ओके बाय टेक केयर। तो बढ़िया, मेलविन भैया आ गए थे मिलने के लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। ओहो ध्यान रखो, ओके बाय 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 बाय। तो बढ़िया, मेलविन भैया से मिल लिए, और मेलविन भैया ने स्टोरी में टैग भी कर दिया, क्या बात है। सो सही है, अब चलते हैं सीधा। अंधेरी की लोकेशन डाल दी हमने, और 170 किलोमीटर्स बता रहा है 4 घंटे। पहले तो ये पुणे का ट्रैफिक क्लियर होगा। तो ये देखो क्या सुंदर सी टनल आ चुकी है, ओहो भयानक एक्सीडेंट हो गया मेरे जस्ट पीछे, सीरियसली यार। लोग आ गए, बाप रे, मैंने आगे बढ़ा ली नहीं तो मैं भी गिर जाता। बाइक वाला गया क्या? चलते हैं यार, बाप रे। वो 2-3 लोगों के आने के कारण कोई ब्रेक नहीं मार पाया, वो तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैंने आगे बढ़ा ली, नहीं तो वो मेर में घुस जाता। शिट यार, मेलविन भैया ने अभी बताया था कि यहाँ पे ऐसे घुसते हैं ना लोग, बहुत तेज़ तेज़ आते हैं और फिर रुकती नहीं है, और उसने ब्रेक मारे पूरे तेज़, बट फिर भी रुकी नहीं, स्किड हो गई पूरी बाइक। सो ये है 11:30 बजे के हाल मुंबई के, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है सीरियसली, क्या पता क्या भसड़ मची हुई है। और एक ये लाल परी ने तो अभी मेरे पैनियर में टक्कर मार ही दी, और वो भी बहुत ज़ोर से, वो तो मैं संभल गया जैसे तैसे, नहीं तो गिर जाता। अरे क्या हो रहा है भैया यार। सो फाइनली मुंबई पहुंच चुके, अब नहीं मिलेगा ट्रैफिक इतना, फटाफट पहुंच जाएंगे शशि भैया के घर पे। एंड आज का दिन बहुत ही भयानक रहा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, पता है ऐसे दिन में तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाता, लेकिन आज ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर चलाई है मैंने अपनी बाइक, और रूट जो था वो था 1060 किलोमीटर का, लेकिन 40 किलोमीटर इधर उधर हो ही गए, और वो लगभग 1100 से ऊपर ही हो जाएगा, और करेक्ट 12 बजे पहुंच जाएंगे हम, 11 किलोमीटर और बाकी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतनी बड़ी राइड सक्सेसफुली कंप्लीट करके, और एक छोटा सा क्रैश भी जो हुआ वो तो होता रहता है, तो बाकी सही है, फटाफट पहुँचते हैं। 2 days later जय श्री महाकाल। चलो पार्थ भैया थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मेरे भाई, आराम से बिल्कुल आराम से जाता हूँ, जल्दी जल्दी आओ। अरे बिल्कुल, हाँ हाँ मई जून में करेंगे। चलो जय श्री महाकाल, बिल्कुल बिल्कुल आराम से जाएंगे। हाँ सो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और आज निकल रहे हैं हम मुंबई से, लास्ट डे। तो मुंबई में इतनी सुबह सुबह भी जाम लगा हुआ है, और ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्या सीन है यार ये, नहीं सुबह तो नहीं होना चाहिए, 6
6:20 हो रहा है। सो क्या कलर्स हो रहे हैं यार, मुंबई भी इतना ब्यूटीफुल होता है पता नहीं था, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज होने वाला है अभी, सिर्फ कलर्स आए। नाइस यार नाइस। ओहो, ट्रक रुक ही गया इधर तो। क्या कर रहे हैं ये? तो हम निकल रहे हैं थाने से और बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। मुझे वैसे मनीष भैया से मिलना था लेकिन शायद सो रहे हैं वो, तो कोई बात नहीं। सो बंदो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर इंदौर, और ऑलमोस्ट ये रोड ट्रिप जो है वो हो गई है 5200 किलोमीटर्स की, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी रोड ट्रिप हो चुकी है इंदौर टू इंदौर। और ये साउथ की रोड ट्रिप बहुत ही अच्छे से बढ़िया से अपनी पूरी कंप्लीट करी है, तो उसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया लग रहा है इंदौर आके। अब चलते हैं अपने दोस्तों के घर और फिर जाएंगे हमारे घर। अरे क्या बात है, जब इंदौर आओ तो चेंज ही लगता है बहुत सारी चीज़ें। कुछ दिनों के लिए ही आ पाता हूँ मैं वैसे भी, अब तो कल से काम चालू हो जाएंगे, उसके बाद की रोड ट्रिप 1.5 महीने 2 महीने बाद ही होगी, तो अब पता नहीं हमारी एक्सप्लोर कब निकलेगी। वैसे आज काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी इसमें, बहुत स्लो चला के लाया हूँ मैं, वो तो मेरे नेक में पेन हो रहा था इसलिए मैंने गोप्रो निकाल दिया था। तो चलो निकल गया ना no. हाँ वो ऑयल सील टूट गई उसकी, आज तक नहीं टूटी, जब सही करवा के ले गया तब टूट गई। वो अंदर रहती है यार, करवा नहीं पड़ेगी, वो तो देनी है सीधी। चलो बाय बाय। हाँ बिल्कुल, चलो बाय बाय। तो फाइनली आ गया घर। ये कोकू तूने कपड़े खोल लिए अपने का? हाँ, चलो अंदर। हाँ चलो अंदर आ जाओ। ये क्या करती हो? रुको, हाँ बस क्या? हाँ ना, और कहाँ से आ रहे हैं?